नमस्कार, मैं रवि। आज से आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स की एक सारगर्भित और महत्वपूर्ण श्रृंखला क्विक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें कम समय में हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु और टॉपिक्स को तैयार करेंगे। यह श्रृंखला आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आज का हमारा टॉपिक है सरस्वती सम्मान, तो आइए 2 मिनट में इसको हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले सरस्वती सम्मान के इतिहास पर नजर डालते हैं। इस सम्मान का प्रारंभ 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया। यह साहित्य के क्षेत्र का एक बड़ा सम्मान है। 1991 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। सबसे पहला पुरस्कार 1991 में डॉक्टर हरबंस राय बच्चन जी को दिया गया, उनकी आत्मकथा के लिए। डॉक्टर हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में विभाजित थी। हम यह जानते हैं कि किसको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित वो सभी भारतीय भाषाएं जिनमें साहित्यिक कृतियां रची जाती हैं और उनका प्रकाशन पिछले 10 वर्षों में हुआ हो, उसी साहित्यकार को पुरस्कार दिया जाएगा जिसने 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में साहित्यिक रचना की है और पिछले 10 वर्ष के अंतराल में उनका प्रकाशन हुआ है। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो 1991 से अगर प्रतिवर्ष दिया जा रहा है तो हम 31वें पुरस्कार तक पहुंच चुके हैं और अब से 2 से 3 दिन पहले 31वें सरस्वती सम्मान की घोषणा की गई, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। रामदरस मिश्र उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, है ना, हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक हैं और जिस रचना के लिए इनको दिया गया उसका नाम है मैं तो यहां हूं। इसका प्रकाशन 2015 में किया गया था। तो रामदरस मिश्र जी को मिला मैं तो यहां हूं के लिए, 2015 में प्रकाशित है। मैंने बताया पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए। हमें क्रम भी याद रखना होता है और वर्ष भी याद रखना होता है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी क्रम के हिसाब से पूछा जाता है और वर्ष के हिसाब से। तो 2021 के लिए जो दिया गया 31वां वो नवीनतम है। 2020 के लिए जो 30वां सरस्वती सम्मान था वो शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया था, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। तो आपको यह भी याद रखना है कि इससे पूर्व वाला जो है, पहले वाला जो है, वो प्रोफेसर शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया था सनातन के लिए, जो मराठी उपन्यास था, इनकी मराठी रचना थी। तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी का जन्म 15 अगस्त 1924 को हुआ, है ना। बाद में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस बना उससे पहले रामदरस जी का जन्म 15 अगस्त 1924 को अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बैरंग बेनाम चिट्ठियां। बैरंग बेनाम चिट्ठियां इनकी बहुत ही चर्चित कृति है। पक गई है धूप, एक और महत्वपूर्ण कृति। कंधे पर सूरज, और इनका एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, एक अंत्ययात्रा। तो यह रामदरस मिश्र जी की कुछ प्रमुख रचनाएं थी। इस श्रृंखला में हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शुरू करेंगे। जितनी जानकारी मैं आपको देता जाऊं उनकी आप एक लिस्टिंग करते जाएं। किसी भी क्षेत्र के करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम लोग 2-3 मिनट में तैयार करने का प्रारंभ करेंगे। तो आपका इस श्रृंखला को जरूर मिले। ये इस श्रृंखला का पहला हिस्सा है जो आज आपके सामने आया, और अनवरत रूप से यह श्रृंखला टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर चलती रहेगी और हम सभी लोग मिलकर परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करते रहेंगे। लव यू ऑल। आप सभी लोगों को ढेर सारा स्नेह और प्रेम। नमस्कार।